राबिया सैफी के हत्यारों को फांसी देने के लिए भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी कांसीराम के तत्वाधान में निकाला कैंडल मार्च। दिल्ली में विगत दिवस राबिया सैफी बेटी की दरिंदगी के द्वारा बेरहमी से की हत्या के विरोध में तथा हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने के लिए भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी कांसीराम व राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में कैंडल मार्च का आयोजन केके डिग्री कॉलेज के सामने से कैंडल मार्च शहर के प्रमुख मार्ग से होता हुआ अंबेडकर स्थानीय बुद्ध विहार अंबेडकर पार्क में समाप्त हुआ। प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर तथा तख्तियां लिए हुए थे। इसमें लिखा था कि बहन राबिया के हत्यारों को फांसी दो, बहन हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। बहन बेटियों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में कैंडल मार्च में कौमी तहफूज कमेटी के संयोजक खादी अब्बास, भीम आर्मी के कानपुर मंडल प्रभारी मोहम्मद आमीन भाई, आजाद समाज पार्टी के कानपुर मंडल प्रभारी देवराज आजाद, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष मोहित गौतम एवं आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अभिषेक आजाद, विपिन गौतम, जिला संयोजक भीम आर्मी प्रशांत गौतम, वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश प्रताप सिंह धनगर, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष मनीष बघेल, ऑल इंडिया इमाम संगठन के जिला अध्यक्ष हाफिज मोहम्मद अहमद चिश्ती, अमन शांति इंसानी भाईचारा के संयोजक शेखर यादव, अशोक जाटो सह प्रभारी आजाद समाज पार्टी इमरान खान, अतुल बिरारी, अमन बाबू जिला महासचिव, दिर्वेश बाबू सौरभ प्रधान समूह आदि लोगों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। इमरान खान की रिपोर्ट।